वट इज़ द स्टफ ग्रोइंग ऑन द ब्रेड, जो ब्लैक कलर का स्टफ नजर आ रहा है ब्रेड पे वो क्या है? इज द ब्रेड स्टिल एडेबल, और क्या ये ब्रेड अभी तक खाने के काबिल है? सो लेटर वी विल फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब हाउ मोल्ड फीड्स, कि किस तरह से जो है मोल्ड वो अपनी खुराक हासिल करता है. आइडेंटिफाई एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, उन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस का जायजा ले सकते हैं. विच शुड बी केप्ट कॉन्स्टेंट, जो के मुस्तकिल रहनी चाहिए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तजर्बे के दौरान. मोनिटर द ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन ब्रेड एट डिफरेंट टेम्परेचर, और इस बात का जायजा लेना है कि मुख्तलिफ दर्जा हरारत में ग्रोथ ऑफ मोल्ड यानी मोल्ड की जो है वो किस तरह बढ़ता चला जाता है. आइडेंटिफाई द टेम्परेचर एट विच मोल्ड ग्रोज बेस्ट, और इस चीज को भी देखना है कि कौन सा दर्जा हरारत है जिस पे मोल्ड जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ता है. स्टेट सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो कौन कौन से हिफाजती तरीके हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने के लिए जरूरी हैं. एक्सप्लेन दैट पॉइजन मे बी प्रोड्यूस्ड एज मोल्ड ग्रोज, और इसमें हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि जहर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं मोल्ड के बढ़ने से. एंड डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग प्रिवेंटिंग, और वो हमें तरीक़ेकार बताने हैं जिनसे हम कमी कर सकते हैं या रोक सकते हैं ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन वेरियस फूड्स, और बहुत से खानों पे इसको मोल्ड को बढ़ने से.